नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम के बारे में। यहाँ पर हमने ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। पिक्सल एक्सपीरियंस का जो प्लस एडिशन है हमने इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 13 के साथ पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस बिल्ड के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, बेंचमार्किंग, बैटरी बैकअप, प्लस कौन कौन से फीचर्स पर काम कर रहा है उसके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का बिल्ड है, ऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। यहाँ पर 5th of November का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर 4.14 कर्नल के साथ ये जो बिल्ड है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर हमने पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन को इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एंड किस तरह से ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रॉम को इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में जो इंस्टॉलेशन वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। आप सिंपली रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को जो है रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1119 का इसको देने को मिल गया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। तो जो 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें जो गीगबेंच 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 542, मल्टी कोर के साथ जो 1544 का इसको देने को मिल गया है गीगबेंच 5.4.6 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। तो यहाँ पर जो है सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। अगर बात करें जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 171, एवरेज है 159, यहाँ पर मिनिमम है 144, यहाँ पर 91% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है, मैक्स सीपीयू गया है 2.30 GHz तक। तो यहाँ पर जो है इस रॉम के साथ जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा, स्पेशली सीपीयू थ्रॉटलिंग यानी यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें जो सेफ्टी नेट के बारे में, बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ परफॉर्मेंस बढ़िया है, प्लस रैम मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है, आपको यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के साथ जो है कोई भी इश्यू देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर जो फीचर्स के बारे में, पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस बिल्ड के साथ एंड्रॉयड 13 के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, पर फ्लैश लाइट भी काम कर रहा है। या पर जो है ऑटो रोटेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, या पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, प्लस हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डार्क मोड का ऑप्शन है, या पर कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से कुछ इस तरह से देने को मिलेगा, प्लस अगर 100 मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली मुझे नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके जब 100 मोड को एनेबल कर सकते हो, बट क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए ये जो टॉगल है ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। तो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वॉल्टी, वो वाईफाई भी काम कर जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। ये जो बिल्ड है दोस्तों डेली ड्राइवर की तरफ यूज कर सकते हो, स्टेबल बिल्ड है। एंड यहाँ पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट जी एप्स भी अवेलेबल है, आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। अगर बात करें जो जीकम भी काम कर जाएगा, गूगल के बारे में काम करते हैं, हमने जीकम को ट्राई करके देखा है। पर कैमरा टेपे के साथ जो लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिल जाएगा, पर जीकम भी काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर गूगल कैमरा 8.7 का जो फास्ट लुक का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो बाई डिफॉल्ट ये जो लाइनेज है इसका जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, लाइनेज है इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका भी रिव्यू हमने अपलोड किया है, जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है चेकआउट करके देखो। बट अगर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है इस बिल्ड के साथ, इधर क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, वीडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, फोटो का ऑप्शन है, फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस टाइमर 16:9 ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, सेटिंग्स के ऊपर जो ब्राइट स्क्रीन का ऑप्शन है, सेफ लोकेशन, कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ बाय डिफॉल्ट जो लाइनेस है उसका जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जीकैम भी काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है इस तरह से इसे भी ऑप्शन से ना यहाँ पर जो फीचर्स है जो ऑप्शन है उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर सेटिंग्स मेन्यू के ऊपर जो एसी ऑप्शन को ऐड किया गया है, ओटी अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए ये जो सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन में टैप करके आप सिंपली ओटी अपडेट को
इंश्योर कर सकते हो। या पर जो सरसवर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सरसवर के साथ जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर सिस्टम आइकन का ऑप्शन है, सरसवर के ऊपर जो कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो उसके लिए ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सरसवर में डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस ऐसे भी ऑप्शन से या पर जो बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, ब्राइटनेस स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ब्राइटनेस स्लाइडर को अगर आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, इसे डिसेबल करने के बाद जो ब्राइटनेस स्लाइडर जो है डिसेबल हो जाएगा। प्लस पर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है, क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है उसे डिसेबल करने का ऑप्शन। प्लस ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली पर जो सरसवर के साथ ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। प्लस पर जो क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यार बटन्स के ऊपर जो सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, यार टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन, गेसेस नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस रॉम के साथ जो है टू बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। यहाँ पर जो प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है। ये पर पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन के साथ एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद यहाँ पर जो है सिंपली पावर बटन से रिकवरी बूट लोडर प्लस पर जो सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, आप सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। या पर आप सिंपली पावर बटन के साथ जो है कॉल को बंद कर सकते हो इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद। पर क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली फोन को लॉक करने के बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो जो क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर वेकअप डिवाइस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके और वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, अगर कॉल को आंसर कर सकते हो। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन के साथ कॉल को आंसर कर पाओगे। प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। और गेस्चर्स का ऑप्शन है, और क्विक टैप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। क्विक टैप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली मुझे डबल टैप करके जो आप इस तरह से डबल टैप करके आप स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। प्लस एबर जो है शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, टॉगल फ्लैशलाइट का ऑप्शन है, सिंपली एबर शो नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करते सिंपली एबर जो है इस तरह से डबल टैप करके आप जो है नोटिफिकेशन को शो कर सकते हो, इस पर ऐड किया गया है। पर क्विक टैप का जो ऑप्शन है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस का काम कर जाएगा, इस पर ऐड किया गया है। पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली एबर जो है पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो जो क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पर वन हैंडेड मोड का ऑप्शन है। सिंपली पर नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप जो वन हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो। प्लस पर शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली नेविगेशन बार के साथ जब नोटिफिकेशन पैनल को शो कर सकते हो। वन हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है। या पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप सिंपली गेसेस के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। या पर क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, इसमें ऐड किया गया है इसी ऑप्शन से। प्लस यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पिक्सल 6, पिक्सल 6 से, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो की तरह रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ भी लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। या पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, या पर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन का जो एक्सेस पूछ रहा था, इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करें, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। अगर बात करें पर जो फेस अनलॉक के बारे में, पर जो फेस अनलॉक भी ऐड किया गया है, यानी पर जो फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। एक बार फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, तो एक बार फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर रहा है इस बिल्ड के साथ। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच फीडबैक का ऑप्शन है। एक बार लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यह बार साउंड एम्पलीफायर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऑडियो एडजस्टमेंट के ऊपर जो ए सी ऑप्शन से, प्लस वॉलपेपर एंड स्टाइल के साथ जो है पर वॉलपेपर कलर, बेसिक कलर का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, थीम आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड ऐप ग्रिड के साथ जो ए सी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी इशू नहीं है। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है अलाउ फेस अनलॉक और लॉक स्क्रीन, स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, टेक्स्ट को ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के साथ।
प्लस इस बिल्ड के साथ जो है यहाँ पर ऑलेजन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर ऑलेजन राइज टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डार्क मोड के साथ शेड्यूल करने का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, तो पर नाइट लाइट प्लस लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे ऐड किया गया है, प्लस डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सरस वन में डबल टैप करते ही ऑटोमेटिकली डिवाइस जो स्लिप मोड में चला जाएगा, प्लस वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जब भी आपको जो डिवाइस आप चार्जिंग के साथ कनेक्ट करोगे डिस्कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम को ऐड किया गया है, यहाँ पर सिम वन और सिम टू के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो, लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर एडेप्टिव साउंड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ, यहाँ पर स्मार्ट वॉच का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे ऐड किया गया है, तो पर लाइव कैप्शन एडेप्टिव साउंड स्मार्ट वॉच का जो ऑप्शन से काम करता है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक का ऑप्शन है, यहाँ पर जो स्क्रीन लॉकिंग साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, टच साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, पावर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एमआई का जो साउंड एनहांसर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है, पर एमआई का जो साउंड एनहांसर पर काम कर जाएगा, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिलेगा इस रॉम के साथ, इसे ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर बैटरी की अगर बात करें तो जो है लगभग अगर आप 120 हर्ट्ज़ का यूज करोगे तो लगभग यहाँ पर जो 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। बट थर्मल पोहल का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, अगर आप 60 हर्ट्ज़ में यूज करोगे तो लगभग आपको 6 आवर से 7 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के ऊपर एनहांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ब्रिंग लाइट का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, बट नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ जो ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, अब डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय।